का विचार है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद आने नहीं देते। ठीक है, तो अभी सारी वैकेंसीज मालूम है, एक के बाद एक लाइनअप हो रही हैं, तो आप जम के तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को पा लीजिए। इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। आज 17 मार्च 2021 है, फर्स्ट पॉइंट क्या है वो है, किस महिला कलाकार ने 28 ग्रैमी पुरस्कार जीता है और ऐसा करने वाली है विश्व की पहली फीमेल बन गई है, मतलब पहली महिला है, वो कौन है? बियोन्स है इनका नाम। ये अगर आपसे पूछे ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 2021 का भी दिया गया। ये इस बार 2021 वाले में इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीता है और टोटल इनके पास कितना हो गया, 28 हो गया है। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? अमेरिका की पॉप सिंगर हैं। एक बेस्ट एल्बम के रूप में भी दिया गया है, तो अगर ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट एल्बम दिया जाता है उसका नाम क्या है? फोकलोर। इसका नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम फोकलोर है। तो इस तरह के अवार्ड से आप ये सब चीज़ें पूछ भी जाती है, ग्रैमी अवार्ड किससे है, कौन दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आया क्या है, खबरों में रहा 2001 F032 क्या है? ये क्षुद्र ग्रह मतलब एक एस्ट्रॉयड है। अगर आपसे कुछ एस्ट्रॉयड जो है बेल्ट है वो किस में पाई जाती है, तो वो हमारे जो मार्स है यानी मंगल और जुपिटर जैसे बृहस्पति उसके बीच पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब तक का, मतलब आज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज जितनी भी मुझे न्यूज़ कलेक्शन मिली उसमें सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट यही लगा मुझे। सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व बैंक फॉरेक्स वाले देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? अभी एक फॉरेक्स रिजर्व बैंक की एक सूची निकली है जिसमें कि भारत का स्थान चौथा है। पहले नंबर पर कौन है? तो चाइना, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, अब चौथे नंबर पे है चाइना, और किसको पीछे छोड़ा? रूस को पीछे छोड़ा है। भारत में 4 तरीके से फॉरेक्स रिजर्व रखा जाता है, एक है फॉरेक्स फॉरेन करेंसी एक्सेट, दूसरा है गोल्ड रिजर्व आपके पास कितना होना चाहिए, तीसरा है SDR जिसे कि हम गोल्डन पेपर के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इंपॉर्टेंट है। और ये जो SDR जो है, ये मतलब कौन किसके जारी करता है या किसके पास ये अधिकार, IMF क्या है? IMF का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो Washington DC में है। ठीक है, WHO का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है, वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद IMF के पास इतना आपका रिजर्व ट्रैक पोजीशन है, ये है, इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट जो मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य के शासित प्रदेश ने विद्यालयों को कट्टर देशभक्ति बनाने के लिए प्रतिदिन स्कूल में 1 घंटे देशभक्ति पर बातचीत करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा कौन कर रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। अभी मैंने देखा था दिल्ली गवर्नमेंट का एक जो बजट पास हुआ है, उस बजट में हमने देखा कि गवर्नमेंट वहाँ की जो हेड हैं उन्होंने कहा कि इस बार उनके थीम क्या रखी है, तो देशभक्ति इस बार की थीम रखी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी कल के न्यूज़ में मैंने एक पॉइंट चर्चा की थी, वो थी कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर भी कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ हो रहा है? पंचकूला। पंचकूला कहाँ पर है? हरियाणा में। कौन सा एडिशन है याद रखिएगा? 10वां। और अभी हरियाणा ने 75% जो है प्राइवेट जॉब्स में सीट रिजर्व कर दी है अपने वहाँ के सिटीजन्स के लिए, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी वर्चुअली मीटिंग हुई सनामरी, ठीक है, सनामरी किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इनके साथ अभी वर्चुअली मीटिंग हुई, ये कहाँ की है? फिनलैंड की। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है आपका पोर्ट है अंजुआन किस देश में स्थित है? तो पोर्ट अंजुआन जो है वो आपका कोमोरोस में है, कोमोरोस। और यहाँ पे भी भारत ने 2 मिलियन टन के हिसाब से चावल भेजा है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा कंट्री है और बहुत पुअर है, तो आप भारत जो है वो सागर मिशन के तहत ऐसा काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मुख्यालय कहाँ थी, कहाँ पे, जिनेवा में। इसको मतलब कब बनाया गया था, तो 1889 में बनाया गया था। अभी इसके हेड जो है ना 3 दिवसीय यात्रा पे भारत में है, इसलिए इसका सेंटर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है, तो वो कौन है, सऊदी अरब। उसके बाद कौन है, भारत। भारत को सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है हथियार, तो आपका रूस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है इंडिया कैंप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये भी कहाँ किया जा रहा है, हमारी कैपिटल दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। अब कैंप क्या है, तो केमिकल प्रोडक्शन जितनी होते हैं ना वही है, तो उसके लिए एक मीटिंग आयोजित की जा रही है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। तो अभी ये न्यूज़ में रहा, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। और इन 4 पॉइंट्स में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सिप्री का है, क्योंकि सिप्री के इंडेक्स पूछे जाते हैं, किस देश से हम सबसे ज़्यादा हथियार ले रहे हैं, कौन देश सबसे ज़्यादा आयातक बना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और कौन का आयोजन, अगर आपको इन केस कभी एग्ज़ाम में ये हो कि आपको याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मीटिंग आयोजित की गई, तो ये सब अभी भी वर्चुअली हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आप एक गेस कर सकते हो कि दिल्ली में हो रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, कुछ छोटे और पॉइंट है उसको भी देख लें, जैसे कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय फेंसर कौन है, तो ये भवानी देवी है, इसका इनका नाम याद रखिएगा। तो ये पहली क्वालिफायर बनी है, और ये क्या करती हैं, ये तलवारबाजी करती हैं, तो हो सकता है कभी कभी इस पॉइंट से भी आपसे पूछ लें कि ये क्या करती हैं, मतलब इनका पेशा क्या है। और ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है, टोक्यो जापान में हो रहा है, कौन सा एडिशन क्या है, तो 32। इसके बाद कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रीहैब यानी मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमलों को कम करने की परियोजना है, इसको लॉन्च किया गया। नॉर्मली पूछेगा रीहैब क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये किससे और किन के बीच में है। अभी ये कर्नाटक में लॉन्च किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये अदर स्टेट में भी इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये स्पेशली मतलब कर्नाटक और गोवा के जंगलों में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको भी देख लेते हैं, वो है गुजरात में एक शत्रुजय हिस्सल के जंगल में आग लग गई, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ न्यूज़ में आया तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी मैं कुछ एवरेजली कह लीजिए 1 महीने तक मैं आपको इसके शॉर्ट ही न्यूज़ दे पाऊँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाऊँगी इस, तो सॉरी फॉर डैट, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि कंटिन्यूसली सारे फॉर्म लाइनअप हो गए हैं, तो वर्कआउट्स पे ज़्यादा करना है। सो थैंक यू एस्पेक्ट।